दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल साकिब क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हिंदी क्लास 12 के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं और इन बहुविकल्पीय प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिए, देख लेना 22 फरवरी को। इससे कई प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, तार सप्तक के संपादक हैं, ठीक है। चार ऑप्शन आपके पास है, पहला है अज्ञे, दूसरा है धर्मवीर भारती और तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है सदल मिश्र, ठीक है। तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वह अज्ञे जी हैं, बात समझ रहे हैं। उसके बाद की दूसरा प्रश्न बाबू, अजात शत्रु किसकी रचना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर का वाला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और ख ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और गा है वासुदेव शरण अग्रवाल और घा है अज्ञे। तो अजात शत्रु के जो आजाद शत्रु और जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो दो प्रश्न आपके क्लियर हो गए, तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञे जी, और आजाद शत्रु किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की। अब चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा प्रश्न और आपको तैयार करना है। दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक हैं, पहला है प्रेमचंद और दूसरा है विष्णु प्रभाकर और तीसरा है सदल मिश्र और चौथा है महादेवी वर्मा। अब इन्हीं चारों में से कोई एक आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं बाबू वो विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न बाबू, चिंतामणि के लेखक हैं, चार ऑप्शन इसमें भी हैं, महादेवी वर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद और श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि के जो लेखक हैं बाबू, तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है, जयशंकर प्रसाद जी चिंतामणि के लेखक हैं, ठीक है बाबू। इस चौथे प्रश्न में ना एक ठू मिस्टेक है, अब वो मिस्टेक कौन सी है आपको कमेंट में बताना है। अब इसी में आपका टैलेंट पता चलेगा कि कितनी तैयारी आपकी हुई है। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, का वाला ऑप्शन है इंशाल्लाह खां, खा है विष्णु प्रभाकर, गा है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा ऑप्शन है अज्ञे जी, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह पहला वाला ऑप्शन है, इंशाल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, ठीक है। छठवां प्रश्न दोस्तों, परीक्षा गुरु के लेखक हैं, पहला ऑप्शन इसमें है श्रीनिवास दास, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो परीक्षा गुरु के जो लेखक है ना वह का वाला ऑप्शन बाबू इसमें सही है, श्रीनिवास दास जी परीक्षा गुरु के लेखक हैं, बात समझ रहे हैं बाबू। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, चार ऑप्शन इसमें भी हैं, पहला ऑप्शन है अज्ञे, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश और चौथा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा के लेखक हैं वो बाबू हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। अब देखिए आठवां प्रश्न है, त्रिवेणी किसकी रचना है, पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और दूसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल जी और तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद जी और चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो त्रिवेणी जो रचना है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, बात समझ रहे हैं। और देखिए नौ वाला प्रश्न आ जाता है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, का वाला ऑप्शन है भाग्यवती और खा ऑप्शन है पुनर्नवा और चौथा ऑप्शन है यानी तीसरा ऑप्शन है गा वाला कंकाल और चौथा यानी घा वाला ऑप्शन है परीक्षा गुरु। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है बाबू वो परीक्षा गुरु है, ठीक है। परीक्षा गुरु क्या है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, ठीक है। अब देखिए लास्ट प्रश्न बाबू, आज की इस वीडियो में ना सिर्फ यही 10 प्रश्न हम आपको बताने हैं और ये 10 प्रश्न इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इसे गांठ बांध लो एकदम, ठीक है। निंदा रस के लेखक हैं, पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा ऑप्शन है हरिशंकर प्रसाई और तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद जी और चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। तो जो देखिए निंदा रस के जो लेखक हैं, निंदा रस के लेखक हरिशंकर प्रसाद जी हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल कर आता है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, चार ऑप्शन आपके पास होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, उन्हीं चारों में से किसी एक का आंसर कोई एक जो होगा सही होगा उसको आपको टिक लगाना होगा। चार ऑप्शन इसमें है, पहला विष्णु प्रभाकर, दूसरा है गुलाब राय और तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है महादेवी वर्मा। तो इसमें सही ऑप्शन जो है आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं, बात समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है,
आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका है? क्या दूसरा क्वेश्चन क्या दोस्तों? आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका है, इसमें भी चार ऑप्शन है, यानी जो ऑप्शन है ये सब पत्रिकाएं हैं, कोई एक पत्रिका इसमें है जो आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा संपादित की गई है। ठीक है, देखिए इसमें पहला पत्रिका का नाम है हंस, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा सरस्वती और चौथा है इंदु। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वह तीसरा वाला है दोस्तों। क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती है। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किस युग के हैं ये आपको बताना है। देखिए चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग के, दूसरा है शुक्लोत्तर युग के, और तीसरा भारतेंदु युग के, और चौथा है प्रेमचंद युग के। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, तो इस कैसे छुपा रहता है अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, यानी जो महावीर प्रसाद हैं वह द्विवेदी हैं और द्विवेदी युग के ही लेखक रहेंगे ना, भारतेंदु युग या फिर शुक्लोत्तर युग में थोड़ी ना रहेंगे। तो इसलिए इनका जो सही ऑप्शन है वह द्विवेदी युग के लेखक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक है, किस युग के? द्विवेदी युग के। बात समझ रहे हैं? उसके बाद आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। कामायनी एक महाकाव्य है और इसके रचयिता कौन है? इस ऑप्शन में से कोई एक सही है उसको आपको बताना होगा। पहला ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और तीसरा है जयशंकर प्रसाद, और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। बात समझ रहे हैं? तो इसमें से सही जो ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी तार सप्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था वो ऑप्शन आपको छांट कर लिखना है। पहला ऑप्शन है 1943, दूसरा है 1951, तीसरा है 1959 और चौथा है 1976। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह दोस्तों 1943 ईस्वी है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है? साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। ठीक है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? देखिए पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, और चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए साकेत महाकाव्य के जो रचयिता हैं वह मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, आगे देखिए, जायसी का जो पद्मावत है दोस्तों वह किस भाषा में लिखा गया है? देखिए इसमें पहला ऑप्शन आता है ब्रज भाषा, दूसरा ऑप्शन है अवधी, और तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, चौथा ऑप्शन है फारसी। तो इनमें से कौन सी ऐसी भाषा में पद्मावत लिखा गया है? तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है दूसरा वाला, अवधी भाषा में पद्मावत जो है वह लिखा गया है। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है अष्टयाम के रचनाकार हैं, यानी अष्टयाम को किसने अष्टयाम की रचना की है, अष्टयाम को किसने लिखा है? इसमें भी चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गोकुलनाथ, दूसरा ऑप्शन है बल्भाचार्य, और तीसरा ऑप्शन है नाभादास, और चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। ठीक है, तो देखिए अष्टयाम के जो रचयिता है वह नाभादास जी है। ठीक है, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों इसमें डॉक्टर संपूर्णानंद, और दूसरा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद, और तीसरा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, और चौथा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो जो शिक्षा के उद्देश्य के निबंधकार है दोस्तों वह है डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए, आवारा मसीहा की रचना विधा है, जो आवारा मसीहा है उसकी, आवारा मसीहा जो रचना है दोस्तों इसकी रचना विधा कौन सी रचना विधि है? क्या उपन्यास है, या फिर नाटक है, या जीवनी है, या निबंध है, ये आपको दोस्तों बताना होगा। ठीक है, तो देखिए आवारा मसीहा की जो रचना विधि है दोस्तों वह जीवनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखिए, हिंदी का मौलिक उपन्यास माना जाता है। देखिए
ध्यान दीजिए, हिंदी का मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? इसमें भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चंद्रकांता, और दूसरा ऑप्शन है गोदान, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, और चौथा ऑप्शन है चरित्रहीन। ठीक है, तो इसमें सही जो ऑप्शन है दोस्तों, देखिए पहला ऑप्शन चंद्रकांता, दूसरा है गोदान, तीसरा परीक्षा गुरु, और चौथा है चरित्रहीन। तो हिंदी का प्रथम या फिर मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन तीसरा वाला है। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ये किसी ना किसी साल जरूर से जरूर पूछे गए हैं, और लगभग लगभग ये हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं।